बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये चंद मिनट की वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर से देख लेना है। जिन दोस्तों ने 8171 और 786 पर SMS सेंड किया हुआ था 2000 की इमदाद के लिए और 14000 रुपये की इमदाद के लिए, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ की जानिब से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुना दी है। जिन ख़ानदानों को नाआहिल कर दिया था या फिर जिन ख़ानदानों को जाँच पड़ताल में रखा जा रहा था, तो उन ख़ानदानों को हुकूमत की जानिब से इमदाद तकसीम होना स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप गरीब में मुस्तहिक हैं और आप बेनजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से और 786 प्रोग्राम की जानिब से इमदाद हासिल करना चाहते हैं, तो आज किस चंद मिनट की वीडियो है, इस वीडियो को आपने मुकम्मल वाच करना है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कौन नया तरीकेकार मुतारिफ करवा दिया गया है, जिस तरीके से आप दोबारा फिर अप्लाई करेंगे और आपका जो 14000 रुपए का मैसेज होगा, 2000 रुपए का जो मैसेज होगा, आपके मोबाइल में फौरी तौर पर आ जाएगा। अगर आपको कोई भी मैसेज नहीं आता है तो फिर भी आप हुकूमत की जानिब से इमदाद हासिल कर सकते हैं। वो किस तरीके से, किस तरह वो SMS हासिल, मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल डिटेल आज के इस वीडियो में आप साथ में शेयर करने वाला हूं। आपने शुरू को स्किप नहीं करना, आपने शुरू को मुकम्मल जरूर से देखना है। तो चलेगा इस वीडियो के अंदर, तो उससे पहले आपसे शुरू से गुजारिश होगी, अगर आप इस चैनल पर नए, आज के नीचे आप सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आएगा, आप लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलेगा बगैर टाइम इसके वीडियो की जानिब बढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हुकूमत की जानिब से ये बड़ी अनाउंसमेंट इस वजह से की जा रही है क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक और नए इमदादी प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है, जिस प्रोग्राम का नाम है ईदी प्रोग्राम। जी हाँ, हुकूमत की जानिब से ईदी प्रोग्राम की जानिब से 25,000 रुपए की इमदाद तकसीम हो रही है। काफी दोस्त के जेहन में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि ईदी प्रोग्राम क्या चीज है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने ईदी प्रोग्राम के बारे में मुकम्मल तफसीलात बताई है कि ईदी प्रोग्राम क्या चीज है और उसकी कितनी इमदाद और किस तरह आपको मिलेगी। बाकी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप BISP प्रोग्राम की जानिब से इमदाद लेंगे, वो भी अगर आपको SMS रिसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो चलिए बगैर टाइम इसके वीडियो की जानिब बढ़ लेते हैं। अगर आपने 8171 पर पहले SMS सेंड किया और आपको इस तरह का मैसेज का रिप्लाई आया है कि आपकी जो मतलब आपकी जांच पड़ताल चल रही है, तो आपने एक छोटा सा काम करना है और आपको फौरी तौर पर SMS रिसीव हो जाएगा। और काफ़ी ऐसे भी खानदान हैं जिन खानदानों ने 786 पर SMS सेंड किया और उनको कोई भी मतलब मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है, तो उन खानदानों ने कौन सा ऐसा काम करना है। तो मैंने वो काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर शहबाज़ शरीफ नए प्रोग्राम जो आगाज़ किया गया 2000 रुपये वाला, उसका मुझे 2000 रुपए का मैसेज भी आ चुका है। अगर आप भी ये मैसेज रिसीव करना चाहते हैं, आप भी हुकूमत की जानिब से इमदाद हासिल करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आपने मुकम्मल जरूर से देखना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन के जरिए आप दोबारा फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी कहां से, आपने अभी गूगल पर चला जाना है, वहां पर जाकर आपने एक वेबसाइट को सर्च करना है जिसका नाम है टॉप न्यूज प्रो। स्पेलिंग भी आप नोट कर सकते हैं, टॉप न्यूज प्रो। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड किया गया। आप सोच रहे होंगे कि ये एप्लीकेशन ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो भाई इसका अपडेट वर्जन आया जिसमें हुकूमत की जानिब से नए लिंक्स अपडेट किए गए हैं। तो अभी जितनी जल्दी हो सके दोबारा फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। 8171 अहलियत, 8171 अहलियत क्या चीज़ है मैं आपको बता दूँ। अगर आपने 8171 पर SMS सेंड किया है तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी जो इमदाद है वो चेक करें। यहाँ पर अपना जो आईडी कार्ड नंबर है, जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर है, बगैर कॉमी के आपने लगा देना है। यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो लगाना है और नीचे अपने जो कैप्चर दिया गया फिल करके आप अपने तस्दीक के ऊपर टाइप करना है और आपका जो मालूमती रकम है वो आपको फौरी तौर पर बताया जाएगा कि आपकी इमदाद आ चुकी है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा जाता है कि आपकी इमदाद अभी तक नहीं आई है, तो आपने शिकायत को पराना है। जैसे आप शिकायत को पढ़ाएंगे, शिकायत की किस्म है आपकी, कौन की कौन सी किस्म है कि आपको कोई भी मैसेज नहीं आया या फिर आपके घराने की सर्वे ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपने टाइप करना है। उसके बाद अपना जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, अपना जो शिनाख्ती कार्ड नंबर है वो टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है और शिकायत कुछ डिटेल आपने यहाँ पर टाइप कर देनी है और यहाँ पर जमा करें पे क्लिक कर देना और आपकी इंशाल्लाह शिकायत भी दर्ज होगी और आपको हुकूमत की जानिब से इमदाद भी मिलेगी। यही सेम प्रोसेस आपने हुकूमत की जानिब से जो नया प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है 2000 रुपये वाला, वो यहाँ पर आपने बेनज़ीर को टाइप कर यहाँ से अपनी इमदाद के लिए इंतराज कर लेना है। और काफ़ी ऐसे खानदान हैं जो खानदान असास राशन प्रोग्राम की जानिब से इमदाद लेना चाहते हैं, तो उन्होंने इस वेब पोर्टल पे इस इधर टाइप करके यहाँ से उन्होंने जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो नया ईदी प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है, वो जब तक आप इसमें राशन में अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको इस प्रोग्राम की जानिब से इमदाद नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।